दोस्तों, मैं कमजोरी के बाद कुछ ज्यादा बातें तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसा कि जिलाने साहब ने कहा है, बस अगर अपन इंसान अनुदर्श करता हूँ मानव की दरखास्त है। मैं तो आपको सच्चा है नहीं सकता, आपको मालूम है 30-31 साल से जमात इस्लामी की ये तहरीर मेरी जमात है और रहनमाई में चलती है। जिस वक्त जमात बनी थी उस वक्त मुझे हरगिज ये ख्याल न था कि इस इमारत के लिए मैं भी एक मौजूद आया हूं। न मैं इस चीज का ख्वाहिशमंद था और न अपने मुताबिक मुझे यह गलत फहमी थी कि इतनी बड़ी आम तहरीक को चलाने का बार मैं उठा सकता। लेकिन जब जमात के लोगों ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब कर लिया तो मैं अल्लाह के भरोसे पर मैंने ये जिम्मेदारी उठा ली और मैंने ये कहा कि मैं हमेशा जमात के इस्तेमाल में आप लोगों को इसका मौका दूंगा कि अगर आप मुझसे लेकर कोई आदमी पाए तो उसको मुंतखब कर लें और मैं खाली कर दूंगा। जब तक जमात के आम इस्तेमाल होते रहे उस वक्त तक मैं हमेशा इस बात का ऐलान करता रहा कि अगर आपकी निगाह में मुझसे बेहतर कोई आदमी जमात में है जो इस काम को चला सकता हो तो आप उसका इंतखाब कर लें और मुझे उस जिम्मेदारी से लोग दोष कर दें। इसमें जो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका आदमी ख्वाहिशमंद हो, जिसको जबरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करे, बल्कि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जिसमें जान माल हर चीज का खतरा, जिसमें आदमी रात को भी आराम से इत्मीनान से नहीं सो सकता, इसमें इंसान को ये हरगत ये महसूस होता है कि अब अगर अल्लाह के दीन को तेरे हाथ से कोई गत पहुंचती है तो तेरी दुनिया तो गई आप बनी है। तो ये वो चीज नहीं थी जिसके हासिल करने के लिए या जिसको अपने पास रखने के लिए आदमी कभी ख्वाहिश करे, बल्कि ये वो चीज है जो उससे आदमी फरार करे इल्ला ये कि उसके सर पर वो डाल दी जाए। 30 साल तक क्योंकि मेरी जमात की निगाम को चलाता रहा और इसकी क्यादत करता रहा तो जमात के लोगों में ये गलतफहमी पैदा होने लगी कि शायद मेरी जात और इस जमात की इमारत ये एक दूसरे के साथ ऐसी वाबस्ता है कि मेरे बात से इसको कोई चला नहीं। बारह लोगों ने मुझसे इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारे बाद इसको कौन चलाए। मैंने उनसे कहा कि भाई जमात इस्लामी जब बनी थी उस वक्त सारा हिंदुस्तान एक था और ये पूरे हिंदुस्तान की जमात, जब तकसीम रातें हुई तो भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया और भारत की पीड़ा दृष्टि से मकबूजा कश्मीर अलग हो गया। तीनों जगह जमात इस्लामी के काम को संभाल लिया। भारत में मौजूद नहीं था, जमात के अरकान जमा हुए, उन्होंने एक आदमी को अपना भी अनुसरण किया। 25 साल जगह जमात का काम चल रहा है और किसी तरह भी वो जमात इस्लामी पाकिस्तान से कम रखे, बल्कि बाद एहतियात के काबिल रख काम उन्होंने किया।
इसी तरह से रघुजा कश्मीर में तकसीम के वक्त मुश्किल से चार आदमी रुकने के राज थे। तकसीम के बाद वही चार आदमी वही ने राजमार्ग को बदस्तूर जिंदा रखा और आज इस वक्त कश्मीर में शायद उससे ज्यादा ताकतवर जमात और कोई नहीं बाजी में मौजूद रहता। तो अल्लाह ताला अपना काम अपने जिन बंदों से चाहता है लेता है, किसी आदमी से तो उसका इंसान। मैं बराबर लोगों को ये इत्मीनान दिलाता रहा कि आप यकीन रखिए जिस वक्त इसकी नौबत आएगी जमात इस्लामी को चलाने के लिए अल्लाह ताला को दूसरा आदमी पैदा करना। जमात में ये जो तरीका है कि कोई शख्स उम्मीदवार नहीं होता किसी मनसब का और कोई शख्स उसकी ख्वाहिश नहीं करता और कोई शख्स उसको तलब करके हासिल नहीं करता, जो रसूलुल्लाह की रहनुमाई पर मबनी है। उन्होंने ये फरमाया है कि जो शख्स किसी मनसब को खुद कोशिश करके हासिल करता है तो अल्लाह ताला भी उस आदमी को उस मंत्र के हवाले करता है, लेकिन जब किसी पर उस मंत्र की जिम्मेदारी डाली जाती है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी तौफीक और ताईद और मदद आती है। तो ये चीज ऐसी है कि ये मुजर्रम नुस्खा है जो हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से हासिल हुआ है और इसके ऊपर हमने पाबंदी जमा किया। मैंने जिस वक्त मेरी बीमारी में शिद्दत पकड़ी और मैंने महसूस किया कि मैं अब इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता, तो मैंने अपने लफका से कह दिया था कि मैं अब इसको बदयानती समझता हूं कि जिस जिम्मेदारी को मैं नहीं संभाल सकता उसको उठाया। इस वजह से मैंने पहले से इरादा किया कि मैं इस्तीफा दे दूं ताकि नए सिरे से इंतखाब हो, लेकिन फिर इस ख्याल से कि नमाने में इस्तीफे की क्या गलत सहमियां पैदा हो, मैंने कायम मुकाम मेरे दिमाग में कौन कर दी और खुदा का शुक्र है कि कायम मुकाम की ऐसी सहमियां तो खैर मोहम्मद साहब बहुत खूबी के साथ काम चला दिया। मैं दुआ मांग रहा था कि जल्दी से वो वक्त आए कि मेरी मुद्दत इमारत खत्म हो और बाकायदा मेरी इमारत खत्म होने के बाद नए तरह के इंतखाब हो ताकि जिससे से भी शक्ल पैदा न हो जिसके लिए में तरह तरह की चीनी गोलियां हो सकती हैं। चुनाव जब मेरी मुद्दत खत्म होने पर आई तो मैंने जमात के कायदे के खिलाफ पब आवाम के अरकान जमात की अपील की कि आइंदा इंतखाब में मुझे वोट न दें, क्योंकि मुझे यह अंदेशा था कि 30 साल से चूंकि वो मुझे को मुंतखब करते आ रहे हैं, इसलिए अगर मैं ये दरख्वास्त नहीं करूंगा तो फिर वो मुझे मुंतखब कर लेंगे और सूरत में मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए मैंने जमात के कायदे को तोड़ कर ही आती हूं। खुदा का शुक्र है कि मेरे रफ़ा जमात ने मेरी बीमारी को जानकर मेरे ऊपर रहम खाया और मेरी अपील को कबूल कर लिया और इंतखाब किया। इंतखाब एक ऐसे शख्स का किया जो जमात इस्लामी का इंतहाई वफादार कारकुन है। जैसा कि आपको मालूम है वैसे तो जमात जिस वक्त कायम हुई थी उसे भी मैं तो फिर मोहम्मद साहब जमात में शामिल हो गए थे, लेकिन 47 से आज तक मुसलसल ये मेरे साथ काम करते हैं। मैंने बहुत कम आदमी ऐसे देखे हैं जिन्होंने इतने इखलास के साथ इस कदर वफादारी के साथ और इस कदर ध्यान निकारी के साथ जमात का काम किया और जमात के काम के लिए इतनी तकलीफें उठाई हूँ, इतनी मुसीबत उठाई। मैं पहले ही तवक्को कर रहा था कि जमात की निगाह इन्हीं के ऊपर पड़ेगी और खुदा का शुक्र है कि जमात की निगाह इन्हीं पर पड़ी और उसने अक्सरियत के साथ इंतखाब किया। जिस वक्त ये इतना आई कि अक्सरियत के साथ मुंतखब हो रहे हैं तो सबसे पहले इतना मुझे दी गई। मैंने इंटरकॉम पर नियत भाई मोहम्मद साहब से कहा कि आप मुंतखब हो गए, तो इन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा आपका काम यही है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहें और मेरा काम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहूं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि जमात के काम को संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ गई और आपके लिए ताजियत भी करता हूं। फिर वाकई आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ी है, इसके खराबी के बावजूद और इन तकलीफों के बावजूद इसमें इतना है आपको ये बार उठाना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि ये बार आदमी के साथ क्या करता है। इस साल में मेरी सेहत बिल्कुल बर्बाद हो गई इस वजह से कि मुझे सब रोज मेहनत करनी पड़ी।
तो मैं जानता हूँ कि क्या जिम्मेदारी है, उनकी क्या मिसाइल है, लेकिन जब इन्हें ने ख्वाहिश नहीं की है, इन्होंने इससे बचने की कोशिश की है और उसके बाद इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, तो मैं तवक्को करता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद इनके सामने हाल होगी, उसकी तौफीक से ये नवाजे जाएंगे और इनको जहाँ से मदद मिलने की उम्मीद नहीं होगी वहां से इनको मदद मिलेगी। जहां तक मेरी जवाब का ताल्लुक है, आप लोगों को इस बात का यकीन रखना चाहिए, ये जमात जिस मकसद के लिए काम हुई है वो मेरी अपनी जिंदगी का मकसद है, मैं इससे कभी पीछे हट ही नहीं सकता। जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, जब तक मेरे होश बाहर है, उस वक्त तक जो खिदमत भी मेरे बस में होगी मैं इंशाल्लाह इस तहरीक की और जमात की अंजाम देता हूँ। अपनी हद तक आज तक भी मैं किसी खिदमत से मैंने मुंह नहीं मोड़ा है और अब भी इंशाल्लाह किसी खिदमत से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मेरे तमाम वफा जो इस निजाम को चला रहे हैं वो यकीन रखें कि जो जिस तरह से भी जिस तरह की खिदमत की उनको जरूरत हो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये तहरीक जो एक मुद्दत दराज के बाद मुल्क में वर्षा हुई थी, इस तहरीक को वो अपनी साहिब से अपनी मदद से नवाजे, इसकी तरफ अपने बंदों के दिल मुतवज्जे करे, अपने मुखलिस और नेक बंदों को इसमें लाए, जो लोग इस तहरीक के अंदर काम कर रहे हैं उनको खुली सता फरमाए, उनके अंदर कुर्बानी में निसार करे, उजवा पैदा करे, उनको बांध एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एक दूसरे के साथ ताउन की तौफीक अता फरमाए, उनको नफसानियत से रिटाए, उनके अंदर ऐसे कोई जज्बात पैदा न होने दे कि कभी उनमें से किसी के दिल में किसी मनसब की ख्वाहिश पैदा हो और किसी मनसब के न मिलने पर बदली पैदा हो, बल्कि उनके हरेक लिल्लाह और किल्ला काम करे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।